हे एवरी वन अ वेरी वॉम वेलकम टू इंग्लिश फंग्लिश चैनल दोस्तों आज आप सीखेंगे कुछ बेहतरीन सेंटेंसेज जो आपकी स्पोकन इंग्लिश का लेवल ऊपर उठा देंगे चलिए अब आपका इंतज़ार खत्म कर देते हैं लेट्स गेट गोइंग एंड हेयर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन अब दफा हो जाओ यहाँ से नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लॉस्ट का यूज़ होगा लूज यहाँ मेन वर्ब है वो अब कहाँ है वेर इज शी नाव वेयर इज शी नाव कुछ महीने पहले तक अंटेल अ फ्यू मंथ्स अगो अंटेल अ फ्यू मंथ्स अगो बस शांत हो जाओ और मुझे बताओ जस्ट रिलैक्स एंड टेल मी जस्ट रिलैक्स एंड टेल मी इसके बारे में फिर से सोचो थिंक अबाउट एट वंस अगेन थिंक अबाउट एट वंस अगेन मैं एक मिनट में वापस आऊँगा आई विल बी बैक इन अ मिनट आई विल बी बैक इन अ मिनट किसी समाधान के साथ आओ कम अपल्यूशन कम अप विद सम सल्यूशन इस तरह से बात नहीं बनती है इट डजेंट वर्क लाइक दिस इट डजेंट वर्क लाइक दिस यानि जिस तरह से सोच रहे हो आप चीज़ें वैसी नहीं होती हैं मैं उन पर काम करूँगा आई विल वर्क ऑन दैम आई विल वर्क ऑन दैम काफ़ी कुछ हो गया है टू मच हैज़ हैपेंड टू मच हैज हैप्पेंड मुझे लात मार कर बाहर मत करो डोंट किक मी आउट डोंट किक मी आउट कौन नहीं जानता है हु डज नॉट नो हु डज नॉट नो तुम घर कब जाते हो वैन डू यू लीव फॉर होम वैन डू यू लीव फॉर होम लीव फॉर यानी कहीं के लिए निकलना मुझे पूरी कहानी सुनाओ टेल मी द होल स्टोरी टेल मी द होल स्टोरी तुम्हें वहाँ होना पड़ेगा यू विल हैव टू बी देयर यू विल हैव टू बी देयर तीन औरतें गायब हो गई थ्री विमेन वेंट मिसिंग थ्री विमेन वेंट मिसिंग गो मिसिंग यानी गायब होना या लापता होना वेंट गो वर्ब का पास्ट फॉर्म है यदि वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो बेझिझक वीडियो को लाइक करें सारी मेहनत के बदले में मुझे आपका बस एक लाइक like चाहिए तुमने उससे क्या सीखा वट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम वट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम क्या तुम बहुत खुश नहीं हो आर यू नॉट वेरी हैप्पी आर यू नॉट वेरी हैप्पी किस्मत के भरोसे कुछ मत छोड़ो डोंट लीव एनी थिंग टू चांस डोंट लीव एनी थिंग टू चांस लीव टू चांस यानी किस्मत के भरोसे छोड़ना मैं वीकेंड्स पर काम कभी नहीं करता हूँ आई नेवर वर्क ऑन वीकेंड्स आई नेवर वर्क ऑन वीकेंड्स वीकेंड Weekend यानी फ्राइडे शाम से लेकर संडे रात तक का समय मैं हर चीज़ का मालिक हूँ आई एम द ओनर ऑफ एवरी थिंग आई एम द ओनर ऑफ एवरी थिंग दुनिया एक छोटी जगह है द वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल प्लेस द वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल प्लेस यदि आप फ्री में इंग्लिश सीखने का फ़ायदा औरों को भी देना चाहें तो कृपया वीडियो को जहाँ भी संभव हो शेयर करें गुस्सा उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था एंगर शोड ऑन हिस्स फेस एंगर शोड ऑन हिस्स फेस गुस्से से मत जलो डोंट बर्न विद एंगर डोंट बर्न विद एंगर मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूँ आई एम नॉट फॉर दिस वर्ल्ड आई एम नॉट फॉर दिस वर्ल्ड यानी दुनिया का चाल चलन मेरी थिंकिंग से नहीं मिल खाता है यानी कि फ़र्क है तुम मुझे केवल इतना जानते हो यू नो मी ओनली दिस मच यू नो मी ओनली दिस मच यहाँ टोन क्वेश्चन पूछने की होनी चाहिए पूछने वाला कह रहा है कि शायद आप मुझे ठीक से समझ नहीं पाए स्पोकन इंग्लिश में ज़बरदस्ती आप इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस ना बनाएं। मैंने तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत कुछ किया आई डिड लॉट फॉर योर सक्सेस आई डिड लॉट फॉर योर सक्सेस यहाँ डिड मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है पहले तो उसने सब कुछ मना किया एट फर्स्ट ही डिनाइड एवरी थिंग एट फर्स्ट ही डिनाइड एवरी थिंग एट फर्स्ट यानी पहले तो या शुरू में उन्होंने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई दे टोल्ड द पुलिस अ फॉल्स स्टोरी दे टोल्ड द पुलिस अ फॉल्स स्टोरी अ फॉल्स स्टोरी यानी झूठी कहानी मैं ये फैसला नहीं करूँगा आई विल नॉट डिसाइड दिस आई विल नॉट डिसाइड दिस आप इंग्लिश इंग्लिश को फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ भी आप कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे वह अपनी आँखों से बोलता है ही स्पीक्स थ्रू हिज आइज़ ही स्पीक्स थ्रू हिज आइज़ यानी उसकी आइज़ के एक्सप्रेशंस उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तुम उससे दूर रहो यू बी अवे फ्रॉम हर यू बी अवे फ्रॉम हर हर और हिम का यूज़ आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ ही पास में घंटी के निशान को भी हिट करें ताकि नए वीडियोस के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिल सके क्या कोई तकलीफ थी देयर एनी प्रॉब्लम वॉज एनी प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी हार मान गए यू गेव अप वेरी सून यू गेव अप वेरी सून गिव ऑर्फ यानी हार मानना गेव यहाँ गिव वर्फ का पास फॉर्म है क्या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊँ शुड आई कॉल द सिक्योरिटी शुड आई कॉल द सिक्योरिटी यदि कोई तंग कर रहा हो तो आप कहेंगे शुड आई कॉल द सिक्योरिटी मेरा धक्का देने का कोई मन नहीं था आई नेवर मैंट टू पुश यू आई नेवर मैंट टू पुश यू यानी धक्का अनजाने में लग गया मैंट मीन का पास टेंस है मुझे लगता है मैं तुम्हें पहले देख चुका हूँ आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर सीन यहाँ सी वर्ब का थर्ड फॉर्म है बहस को अभी के लिए वहीं छोड़ दो लीव द डिस्कशन देयर फॉर नाव लीव द डिस्कशन देयर फॉर नाव वह केवल आपके पैरों की धूल है ही इज़ जस्ट द डस्ट ऑफ़ योर फीट ही इज़ जस्ट द डस्ट ऑफ़ योर फीट यानी आपकी शख्सियत या पर्सनैलिटी के आगे वह कहीं नहीं टिकता है थोड़ा इंग्लिश में भी डायलॉग बोलिए अब कब तक हिंदी में ही डायलॉग बोलेंगे ये अनुभव ना भुलाने वाला हो सकता है दिस एक्सपीरियंस में भी अनफॉर्गेटेबल दिस एक्सपीरियंस में भी अनफॉर्गेटेबल अनफॉर्गेटेबल यानी जिसे भुलाया ना जा सके अंत में उसने मुझे किसी बहाने से भेजा फाइनली शी सेंट मी ऑन सम प्रीटेक्स्ट फाइनली शी सेंट मी ऑन सम प्रीटेक्स्ट ऑन सम प्रिटेक्सट यानी किसी बहाने से फ्रेंड्स दैट्स ऑल आई कुड पुट टुगेदर इन दिस वीडियो होप फुली माई एफर्ट्स वर सक्सेसफुल To some extent to meet your expectations. Now grab this opportunity to speak these sentences as and when the same are required to be spoken. Keep practicing these sentences so that you may not forget them easily. While speaking these sentences, you may commit certain mistakes which you should not worry about, as gradually these mistakes may not be repeated. Think positively and see the results. It's time for me to take leave of you. But before that, I would like to thank you for watching this video. Needless to say that those who have watched the video till the end are going to be benefited a lot more. Until we meet again in the next video, keep learning, revising, and speaking English like never before. Bye, friends.